अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड थ्री, बेटे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे। आज हमारा वीक थ्री का लास्ट लेक्चर है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम पेज नंबर 34 पे क्वेश्चंस कर चुके थे। आज 35 पेज पर कुछ एग्जांपल्स हमें गिवन है, पहले हम उनको सॉल्व करते हैं और फिर प्रैक्टिस जोन पर जाते हैं। सो इट्स पेज नंबर 35। क्वेश्चन है बेटे, देर आर 465 चिल्ड्रन इन अ स्कूल हॉल। चिल्ड्रन इन अ स्कूल हॉल इज इक्वल टू 465। फिर वो कहते हैं 240 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज इन द हॉल इज इक्वल टू 240। मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 465 हैं तो उनमें से बॉयज़ की तादाद है 240। फिर वो कहता है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। सो अगर टोटल में से हम बॉयज़ की तादाद को, स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज़ को रिड्यूस कर दें तो बाकी स्ट्रेंथ किसकी होगी? गर्ल्स की होगी। गर्ल्स इन द हॉल, अब इसमें से इसको रिड्यूस करें, सब्ट्रैक्शन में 5 में से 0 निकालें, 5, 6 में से 4 को लेस करें, रिमेनिंग अमाउंट 2, 4 में से 2 को लेस करें, रिमेनिंग अमाउंट 2। सो ये इलस्ट्रेशन जो पेज नंबर 35 पर फर्स्ट थी उसको मैंने सॉल्व किया। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि एक हॉल है बड़ा सा और उसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 465 हैं, जिनमें से बॉयज़ की स्ट्रेंथ है 240 और वो क्वेश्चन करता है कि गर्ल्स कितनी हैं। सो टोटल में से बॉयज़ की स्ट्रेंथ को हम रिड्यूस कर देते हैं, जो बाकी स्ट्रेंथ बचेगी वो आपकी गर्ल्स की होगी। इससे अगली एग्जांपल है इसी पेज पर, उसमें वो कहता है टेलर हैड 724 स्पूल्स ऑफ थ्रेड। धागा वो नल की जो बनी हुई होती है वो हमें बता रहा है कि 724 स्पूल्स हैं उसके पास, स्पूल्स ऑफ थ्रेड। इज इक्वल टू 724। ही यूज्ड 387 स्पूल्स ऑफ थ्रेड इन अ मंथ। स्पूल्स used in a month 387। फिर वो कहता है हाउ मैनी स्पूल्स ऑफ थ्रेड डिड द टेलर हैव लेफ्ट एट द एंड ऑफ मंथ। यानी टोटल में से यूज्ड थ्रेड को हम निकाल दें तो जो रिमेनिंग होंगे वो कितने हैं? स्पूल्स लेफ्ट एट एंड ऑफ मंथ इज इक्वल टू, अब अगेन उसी तरह से टोटल दिया गया है, यूज स्पूल्स दिए गए हैं आपको, अगर टोटल में से इनको माइनस कर दिया जाए तो स्टॉक जो उसके पास बाकी बचा हुआ है जो पड़े हैं वो निकल आएगा। 4 में से 7 बेटे रिड्यूस नहीं कर सकते, सो यू विल बारो 1 फ्रॉम हेयर, इट्स 14 नाउ। 14 में से 7 को आपने रिड्यूस करना है, आप बेशक लाइन्स लगा के चेक कर लें, 14 में से 7 को रिड्यूस करें आंसर आपका 7 आएगा। अब यहाँ पे 1 रह गया, 1 में से 8 अगेन आप नहीं निकाल सकते, सो 1 यहाँ से बारो करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 को हम लेस करें तो रिमेनिंग अमाउंट 3 आती है। आप 11 लाइंस लगाएं, उसमें से 3 को लेस करें, बाकी काउंट करें आप, तो आपके पास 8 आ जाएगा, तो बाकी 8 आ गया। सो 837 हमारा आंसर है जो हमें बता रहा है कि इतने, सॉरी 837 नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 3 फिर आ गया, ये 11 में से 8 निकाला 3 आया, अब यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 3 रिड्यूस किए तो रिमेनिंग अमाउंट 337 आ गई। मैं रिपीट करता हूँ, स्पूल्स ऑफ थ्रेड ये जो धागे की नलकी बनी होती है उसको बोलते हैं,
724 स्पूल्स है किसी टेलर के पास, उसने पूरे महीने में जो यूज़ किए वो 387 स्पूल्स हैं, और क्वेश्चन ये वो करता है कि आपके पास कितने स्पूल्स बाकी बचे हुए हैं। सो टोटल में से यूज्ड स्पूल्स को डिडक्ट किया तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास जो आ रही है वो किसकी है, स्पूल्स लेफ्ट की है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद प्रैक्टिस जोन आता है पेज नंबर 36 पर, हम उसकी तरफ जाते हैं। पेज नंबर 36 नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ फार्मर हैज 1345 गोट्स, ऑफ ए फार्मर, फार्मर किसको बोलते हैं, किसान को, 1345 एंड 1234 शीप्स, जो शीप्स हैं उसके पास उनकी तादाद है 1234। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर गोट्स डज ही हैव देन शीप, उसके पास जो गोट्स हैं वो कितनी ज़्यादा हैं शीप से। तो हमने इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको चेक करना है। डिफरेंस कैसे बेटे चेक होता है, डिडक्ट करने से, माइनस करने से, सबट्रैक्ट करने से। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस, 5 में से 4 रिमेनिंग अमाउंट 1, 4 में से 3 रिमेनिंग अमाउंट 1, 3 में से 2 रिमेनिंग अमाउंट 1, और 1 में से 1 रिमेनिंग अमाउंट 0 आती है। इसका मतलब गोट्स 111 ज़्यादा है किससे, शीप से। यानी उसे हमें पहले बताया कि गोट्स उसके पास इतनी है, फिर उसने बताया शीप्स उसके पास इतनी है, फिर वो क्वेश्चन करता है कि आप बताएं कि उसके पास गोट्स शीप से कितनी ज़्यादा है। सो हमने क्या किया, दोनों के दरमियान डिफरेंस को लिया, डिफरेंस सब्ट्रैक्शन से आता है, गोट्स में से शीप्स को लेस किया, 111 है आपका आंसर आ गया। तो हम कहेंगे गोट्स 111 ज़्यादा हैं किससे, शीप से। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं हम लोग। वो कहता है टेलर हैज 4006 बटन्स, बटन्स ऑफ टेलर इज इक्वल टू 4006। He buys another 2008 buttons, but more buttons, कितने और खरीद रहे जी, 2008। फिर क्वेश्चन करता है हाउ मैनी बटन्स डज ही हैव ऑल टूगेदर, मीन्स टोटल बटन्स उसके पास कितने हैं, हमने ये निकालना है। तो क्या तरीका, जब टोटल निकालना है तो दोनों को आपने सम करना है, क्वेश्चन ऑफ एडिशन आ गया, तो दोनों को ऐड करें, 8+6 इज इक्वल टू 14, 1 आपका कैरी हो गया। अब 1+0 आंसर 1, 1+0 आंसर 1, 0+0 आंसर 0, 4+2 आंसर 6, एडिशन तो आपको आता है ना अच्छे से। तो हमने सम करके चेक किया कि देर आर 6014 टोटल बटन्स ही हैज। अब क्योंकि आगे सैटरडे और संडे है, दो दिन है आपके पास, तो मैं दो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी पूरा कर देता हूँ, आप उनको भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है साइमा बाइज ए बैग ऑफ जेलीज विच कंटेन 2450 ग्रेप जेलीज, ग्रेप जेलीज खरीदी हैं साइमा ने,
उनकी तादाद है 2,450। फिर वो कहता है एंड 3,370 रेस्बरी जेलीज। अब सेकंड आपके पास जेलीज है RASPBERY रेस्बरी जेलीज और उनकी तादाद है 3,370। हाउ मैनी जेलीज डज शी हैव ऑल टूगेदर, टोटल जेलीज उसके पास कितनी हैं। टू डिफरेंट टाइप्स की जेलीज की तादाद उसने हमें दी है, ग्रेप्स की और रास्पबेरीज की, तो हमने दोनों को सम करना है, टोटल करना है, ऐड करना है, तो हमें पता चल जाएगा 0+0 आंसर बेटे क्या आता है 0। 5+7 इज इक्वल टू 12। 12 में आप 2 लिखेंगे ना यहाँ पे और 1 को आप कैरी कर लेंगे। नो 1+4 इज इक्वल टू 5। 5+3 इज इक्वल टू 8। नाउ 2+3 इज इक्वल टू 5। सम ऑफ जेलीज जो दोनों को मिला के बनी वो 5,820 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास और लास्ट प्रैक्टिस जोन का क्वेश्चन है आपका। हसन हैड रुपीज़ 9,000, टोटल अमाउंट है हसन के पास 9,000। ही स्पेंट रुपीज़ 4,500 टू बाय एन ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग उसने ख़रीदी है कितने की जी 4,500 की। फिर वो मैं कहता है हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, अब उसके पास बाकी कितने पैसे हैं। मनी हसन हैज लेफ्ट, कितने पैसे उसके पास बचे हैं। नाउ लुक एट दिस, क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ सबट्रैक्शन दिया, 0 में से 0 आंसर 0, फिर 0 में से 0 आंसर 0। नो इट्स 10, 10 में से 5 निकाले, रिमेनिंग अमाउंट 5। अब यहाँ से 1 आपने बारो किया था तो 10 बना था ना, सो 8 लेफ्ट ओवर है, 8 में से 4 रिड्यूस करें तो रिमेनिंग अमाउंट 4 आएगी, सो इट्स 4,500। इस तरह से हमारा ये वाला प्रैक्टिस जोन भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरू करेंगे। आई होप यू पीपल आर डूइंग योर वर्क। इंशाल्लाह ताला हम लोग छुट्टियों के बाद ये सारा काम चेक करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज़ होता है। अल्लाह हाफिज़।